1932 में इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला। उसके बाद से इंडियन प्लेयर्स ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करे, जैसे कि युवराज सिंह के एक ओवर में 6 छक्के, विराट कोहली के फास्टेस्ट 10,000 रन इन दी ओडीआईज, और भी कई बड़े रिकॉर्ड्स हैं। वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो इंडियन प्लेयर्स के नाम हैं, जिन्हें तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं और वो कौन से प्लेयर्स हैं, इस वीडियो में वो ही बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर वन रिकॉर्ड है मोस्ट स्टंपिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी। जब भी हम ये नाम सुनते हैं, हमारे चेहरों पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। इन्होंने काम ही ऐसे करे, 2007 T20 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, 2011 वर्ल्ड कप भी और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी। पर आपको पता है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर का स्टार्ट किया था, तो इनकी विकेट कीपिंग पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे, पर इन्होंने मेहनत की और अपनी कमी को अपनी ताकत में बदला। इनके नाम है 195 स्टंपिंग्स इंटरनेशनल क्रिकेट में, 38 हैं टेस्ट मैचेस में, 123 हैं ओडीआईज में और 34 हैं टी20s में। आपको पता है दूसरे नंबर पर कौन है? श्रीलंका के कुमार संगकारा, 139 स्टंपिंग्स अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड के आसपास कोई भी नहीं है, तो बाकी खिलाड़ियों के लिए ये रिकॉर्ड तोड़ना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। दूसरा रिकॉर्ड है मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर इज आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर द गेम हैज एवर प्रोड्यूस्ड। 24 साल के लंबे करियर में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करे। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 100 सेंचुरीज अक्रॉस फॉर्मेट्स, 51 है टेस्ट मैचेस में, 49 है ओडीआईज में। दूसरे नंबर पर कौन है? रिकी पॉन्टिंग और विराट कोहली 71 सेंचुरीज के साथ। अब रिकी पॉन्टिंग तो रिटायर हो चुके हैं, विराट कोहली को चाहिए 30 सेंचुरीज ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अभी टीम इंडिया में वर्कलोड मैनेजमेंट का कल्चर है, तो प्लेयर्स को ज्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिलता। विराट कोहली हैज टू फाइट टूथ एंड नेल टू ब्रेक दिस मैसिव रिकॉर्ड। नंबर 3 पर है रोहित शर्मास हाईएस्ट ओडीआई स्कोर। आज से लगभग 8 साल पहले टीम इंडिया के स्किपर रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में बनाए थे 264 रन्स ऑफ जस्ट 173 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 33 फोर्स एंड 9 सिक्सेस। रोहित शर्मा अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई में 3 बार डबल सेंचुरीज लगाई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बात करते हैं 264 की, क्या ये रिकॉर्ड कभी टूट पाएगा? वेल, जिस तरह से बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं ओडीआई में, तो अभी तो ये किसी की बस की बात लगने रही। आने वाले टाइम में कोई तोड़ दे तो तोड़ दे, पर अभी मुमकिन नहीं है। नंबर 4 पर है मोस्ट बॉल्स फेस्ड बाय राहुल द्रविड़ इन टेस्ट क्रिकेट। राहुल द्रविड़ इज आर्गुएबली द मोस्ट डिपेंडेबल एंड क्लासिकल टेस्ट बैटर इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड। इन्हें माना जाता था द वॉल ऑफ क्रिकेट। अच्छे से अच्छे बॉलर के इनके सामने पसीने छूटते थे। राहुल द्रविड़ के नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड है, 164 टेस्ट मैचेस में इन्होंने फेस करी है 31,258 डिलीवरीज। दूसरे नंबर पर है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 2000 डिलीवरीज कम फेस करी हैं राहुल द्रविड़ से। अब मैं आपको बताता हूँ राहुल द्रविड़ ने टेस्ट मैचेस में क्रीज पर कितना टाइम स्पेंड करे, 44,152 मिनट्स, यानी कि 736 आवर्स। गाइस, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, अभी प्लेयर्स का इंटरेस्ट टेस्ट क्रिकेट से कम हो रहा है और टेस्ट क्रिकेट भी कम देखने को मिलता है, तो दिस रिकॉर्ड सीम्स अनब्रेकेबल। नंबर 5 पर है बापू नदकर्णी कंसेक्यूटिव 21 मेडन ओवर्स। बापू नदकर्णी के बारे में आज के लोग ज्यादा नहीं जानते, पर जिन्होंने 1960s में क्रिकेट को फॉलो करा वो जानते हैं इनके सामने रन बनाना बहुत ही मुश्किल था। इंग्लैंड के अगेंस्ट 1964 में इन्होंने लगातार 21 मेडन ओवर्स डाले थे, 32 ओवर्स में दिए थे सिर्फ और सिर्फ 5 रन। ये रिकॉर्ड तो डेफिनेटली अनब्रेकेबल है, क्योंकि आज के टाइम में 21 मेडन ओवर्स डालना इम्पॉसिबल। नंबर 6 पर है मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन अ सिंगल विजयशाली ट्रॉफी सीजन, और ये करने वाले का नाम है नारायण जगदीशन। लगातार 5 मैचेस में सेंचुरीज देखने को मिली, सभी का दिल जीता और लास्ट मैच में वर्सेस अरुणाचल प्रदेश एक बेहतरीन डबल सेंचुरी हमें देखने को मिली। अभी तक टीम इंडिया से खेलने का मौका नहीं मिला, पर इट सीम्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो गाइस, ये थे वो बड़े रिकॉर्ड्स जो इंडियन प्लेयर्स के नाम है और उन्हें तोड़ना मुश्किल है। अगर आपको लगता है इन रिकॉर्ड्स में से कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो टूट सकता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले बिना किसी रुकावट के। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया ना, तो वैसे एक बार होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।